नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रामेश्वर गॉड्स म्यूजिक ट्यूटोरियल्स में। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था वो था मेजर स्केल्स 12 नोट से बजाना, 3 ऑक्टेव, 4 ऑक्टेव, 2 ऑक्टेव में प्ले करना। आज स्केल्स पर ही हम जारी रखेंगे, लेकिन स्केल्स की बात करेंगे माइनर स्केल्स की। तो माइनर स्केल सीखने के लिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं माइनर स्केल्स की। माइनर स्केल्स क्या है? जैसे पिछली बार हमने सी मेजर स्केल, डी मेजर स्केल, डी शार्प मेजर स्केल, सी शार्प मेजर स्केल, ये सब सीखे थे 12 नोट से बजाना, वैसे ही माइनर स्केल्स है। तो माइनर स्केल्स कैसे बजाने हैं, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आते हैं माइनर स्केल्स की। माइनर स्केल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्मोनिक माइनर, दूसरा होता है मेलोडिक माइनर। तो सबसे पहले समझेंगे हार्मोनिक माइनर को। तो हार्मोनिक माइनर का क्या रहता है, देखिए सा रे ला कोमल किया, मा पा धा कोमल किया, नी सा शुद्ध अवरोह, धा कोमल सेम अवरोह में, वैसे पा मा धा कोमल रे शुद्ध सा शुद्ध। कैसे देखिए एक बार, एक बार धीरे से। ये हार्मोनिक माइनर हो गया। अब दूसरा हमारा होता है मेलोडिक माइनर। मेलोडिक माइनर क्या होता है? मेलोडिक माइनर में आरोह में गा कोमल रहेगा, बाकी सब शुद्ध रहेंगे। जैसे अवरोह में नी धा गा ये कोमल रहेगा। एक बार फिर से देखेंगे। ये मेलोडिक हार्मोनिक मेलोडिक माइनर स्केल हुआ। तो दो तरीके के स्केल हो गए आपके सामने, एक हार्मोनिक माइनर, एक मेलोडिक माइनर। इन दोनों का 12 सुर में रियाज करना है, 4-5 ऑक्टेव में रियाज करना है, जैसे आपके बन सके स्पीड बढ़ानी है, जैसे मेजर स्केल किया था। इनको रोज प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ानी है हमारी, और जितना स्पीड बढ़ सके उतना स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि फिंगरिंग के लिए वो काफी लाभदायक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ, नई बातों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, और जो समझ में नहीं आए हो तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। पिछले जो मैंने लेसन्स आपको बताए थे, लेसन 1, 2, 3, उनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, तो प्लीज़ आप देखें और मुझे शुरू से फॉलो करें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी या लेसन समझ में आएंगे। मेरी वीडियो आप शुरू से फॉलो नहीं करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी आपको। तो रिक्वेस्ट है आपसे शुरू से फॉलो करें, देखें, समझें और कीबोर्ड बजाना सीखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।